इनको मैं आज एक ऐसी चीज दिखाने लगा, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी देखी होगी वो चीज। या अल्लाह, अब ये ऐसा क्या दिखाएगा? एक ही खत्ते के दो हमसाया कंट्रीज, एक कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। इट इज टाउटेड टू बी द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर एनी माइटी रिवर इन इंडिया। ओ यार आई एम इंडियन, इंडियन, इंडिया भाई इधर आना पास में। यार ये देखो कह रहे इंडियन अंडरवर्ल्ड ट्रेन नहीं है ये, इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है। ओ यार हमें बकवास कर रहे हैं, मैं इसको सकते ऊपर कह रहा एशिया में हमें, अगर चाइना है चाइना की टेक्नोलॉजी पे समझ नहीं भाई, यार पानी के नीचे ट्रेन चल रही है। Also, the Howrah metro station is the deepest in India. इससे भी बड़ी जो खतरे वाली बात है और जो परेशानी वाली बात है कि इस साल जनवरी में जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी सरमायाकारी का जो पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने लगा रखा है उसको विड्रॉ कर लिया है। सर ये इंडिया की है, कोलकाता के अंदर है। IMF ने पाकिस्तान को शराइत की अब एक नई फहरिस्त थमा दिया। इसका मतलब है मजीद महंगाई। गालबर इनकी ख्वाहिश थी 3 जनवरी से पहले पहले वो मिशन आ जाए, IMF ने उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। $173 मिलियन की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विड्रॉ कर लिया। मतलब इतना उन्होंने पानी के अंदर से मेट्रो गुजार दी है जी। बट अंडर द रिवर दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन टेकन अप बाय इंडियन रेलवे एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट मेट्रो इन द एंटायर इंडिया व्हिच इज अंडर द रिवर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह मेट्रो कोलकाता से हावड़ा तक चलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मेट्रो में स्कूली बच्चों के साथ सफर भी किया और उनसे बातचीत भी की। इस मेट्रो की खास बात यह है कि यह हुगली नदी के अंदर बनी टनल में चलेगी। पानी के अंदर बनी मेट्रो सुरंग इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है जो 16.6 किलोमीटर लंबी है। अंडरवाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर साल्ट लेक शहर से जोड़ेगी। इसमें 6 स्टेशन होंगे जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है। वहीं हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। कोलकाता मेट्रो का हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन बहुत खास है क्योंकि इस सेक्शन में ट्रेन पानी के अंदर दौड़ेगी। इस मेट्रो टनल को हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे बनाया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत में पहली बार पानी के नीचे ट्रेन दौड़ती देख सकते हैं। पहली दफा देख रहा हूं दुबई की अंडरवाटर ट्रेन। दुबई नहीं है सर। फिर क्या, दुबई में बनी है ये अंडरवाटर से? दुबई में है लेकिन दुबई के अलावा भी कंट्री बना रहे हैं। और यार ट्रेन नहीं है ये यार। सर ट्रेन है, देखे पटरियां नहीं नजर आ रही। दुबई में नहीं है। फिर कहां पे? ये एशिया में है, पाकिस्तान के नेबर कंट्री है। पाकिस्तान के नेबर तो भी दुबई भी लगता है 2 घंटे का बाय एयर सफर। नहीं यार पाकिस्तान का मतलब फुली नेबर, जिस तरह चाइना इंडिया। अच्छा बॉर्डर टू बॉर्डर। बॉर्डर टू बॉर्डर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर होगा ये मेरे ख्याल से चाइना। नो सर ये इंडिया ने बनाई है। इंडिया ने क्या बनाया है? अंडर वाटर ट्रेन। अंडर वाटर ट्रेन। यार आई एम इंडिया, इंडिया, इंडिया भाई इधर आना पास में। यार देखो कह रहे इंडियन अंडर वाटर ट्रेन नहीं है, इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है। ओ यार हमें बकवास कर रहे हैं, मैं इसको ऊपर कह रहा एशिया में, मैं कह रहा चाइना है, चाइना की टेक्नोलॉजी। अरे इंडिया नहीं भाई, यार पानी के नीचे ट्रेन चल रही है। ओ ये चाइना क्या भाई, अबे आप अबे चुना दिल गए, ये चाइना है। ओ यार इंडिया की नहीं है यार, ये इंडिया की नहीं है। नहीं अभी मैंने गूगल करके दिखाना है, फिर आपने मान जाना है। दिखाओ दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। इंडिया की नहीं है यार, ट्रेन तो मुझे नहीं मानी, मैं इंडिया की है। क्या लिखा हुआ है? अंडर वाटर मेट्रो अगली रिवर कोलकाता। कोलकाता आप कहाँ पे है? कोलकाता तो इंडिया में। तो यार भाई ये वाकई इंडिया की है सर, इंडिया ने अंडर वाटर ट्रेन बना ली है। हैरत वाली बात है, इनको एप्रिसिएशन देनी बनती है यार, क्यों इतना काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है वाकई इंडिया की है यार, सीरियसली इतना टेक्नोलॉजी में बूस्ट। बिल्कुल सर, कमाल सर। एक मोदी की स्टेटमेंट आई थी कि इस दिहाई के एंड तक आप इंडिया में ऐसी ऐसी ट्रेन देखेंगे कि आप जो है हैरान रह जाएंगे, आपको पूरे यूरोप कंट्रीज में कहीं पर भी ऐसी ट्रेन नहीं दिखेंगी। तो मतलब नो डाउट, मैं छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल वाली बात करूंगा, एग्जांपल देके कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, जो लाइक इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक USA, मुल्क की तरक्की का राज कब पता चलता है? जब दूसरे मुल्कों के लोग आपके मुल्क की तारीफ करते हैं। आज जैसे इसने कहा है कि इंडिया का जो ट्रेन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। हाँ। और बेस्ट होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो मोस्टली जो इंडिया की 99% आबादी है वो ट्रेनों पर ही सफर करती है, सबवेज यूज करती है अपने काम वगैरह पर जाने के लिए। तो वहाँ पर जो ट्रेन का स्ट्रक्चर है डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना तो बनता भी है इंडिया का। एंड अच्छा लगा देखिए यार, देखिए एक हमारा सिस्टम है ट्रेन का जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर को वो
बाबा आदम के जमाने की पटरियां बनी हुई अभी तक वही हैं और बोगियां उलट जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लोग डरते हैं अब यहाँ पाकिस्तान में ट्रेन पर सफर करने से, एक हवाई सफर करने से और एक जमीनी सफर करने से, क्योंकि पता है कि भाई सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में। पीआई आप खुद देख रहे हैं, सबसे पुरानी फ्लाइट है हमारे पास और इतने बुरे तरीके से वो डैमेज हो रही है, बिकॉज रिपेयरिंग नहीं है। लेकिन आई थिंक चूंकि इंडिया ने अपनी जो चीजें हैं वो बहुत वंदे भारत उनकी सबसे ज्यादा कह लें कि फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कंसिडर की जाती है, तो इतना कुछ वहाँ पर इंप्रूव हो चुका है, तो ये भी इंप्रूव कैसे ना होगा? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ पर रोड वगैरह, जहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, वहीं आपके तरक्की का पता चल रहा होगा। उनका आईटी सेक्टर देख लें, मेडिकल देख रहे हैं यार, पाकिस्तान से अंदर कहीं भी स्टमक का इलाज नहीं होता, करवाने के लिए इंडिया जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक बहुत सारे ऐसे वाक्य भी हैं कि वहाँ पे इंडियन फ्री भी कर देते हैं, कहते हैं यार ठीक है पाकिस्तान गरीब मुल्क है। क्योंकि हमारे लिए एक लम्हा फिक्र ये है कि इंडिया अपने मुल्क के लिए लाइक कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना दुनिया की दौड़ में शामिल हो गया हुआ है, और हम आज भी इस जगह पे खड़े हुए हैं सोच रहे हैं कि हम अपने अगले दिन का खाना कैसे पूरा करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम अगले जो कर्जा है वो किस मुल्क से लेंगे। पाकिस्तानी से पूछ लो कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। जब हम बहुत छोटे थे ना, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि यार इंडिया की फिल्म्स में देख लो, किसी भी इंडिया की छोटी मोटी वीडियो आती तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, वो बोलते थे कि यार देखो इंडिया का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है और कितना लाइक इतना उनके पास टैलेंट है, वो अपने बच्चों की अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अब वो सारा आउटपुट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आज से मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आप देख ले 2010 से पहले इंडिया में इतनी कोई खास हमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो लाइक इंडिया तो अनस्टॉपेबल। गेस करें कौन सा कंट्री होगा ये? मैंने तो बता दिया आपको कि जो भी है, अब मेरे ख्याल में एशिया के अंदर है, ये भी बता देते। एशिया के अंदर है? एशिया के अंदर तो हमारे कोई 5-7 मुल्क ही हैं, या 5-7 में से कौन सा लग रहा है आपको इस टाइम? तो अगर वो मतलब माशी हालत में देखा जाए तो इंडिया ही है, इंडिया के पास ही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया इतना एडवांस हो चुका है जो कि अंडर वाटर मेट्रो बन रही है उधर? नहीं नहीं बिल्कुल एडवांस है, वो पैसे वाला मुल्क है। इस टाइम वो नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा उसको मतलब उसको बड़ा आगे ले गया हुआ है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया की है, कोलकाता के अंदर है। बड़ी बात है यार कि इंडिया कभी हमारे से पीछे होता था, आज हमारे से आगे चला और गया। उसमें जो कंसर्न वाली बात है, बावजूद तमाम कोशिशों के कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आए, 187 मिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी वाकई हुई है। और इससे भी बड़ी जो खतरे वाली बात है और जो परेशानी वाली बात है, ये खुद हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि इस साल जनवरी में जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी सरमायाकारी का जो पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने लगा रखा है उसको विथड्रॉ कर लिया है। और ये जो नंबर्स बता रहे हैं कि चीन ने जनवरी 2024 में 173 मिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विथड्रॉ कर लिया है। ये यकीनी तौर पर एक कंसर्न वाली बात है और इसकी वजाहत नहीं की गई कि आखिर इसकी क्या वजह है कि चीन की जो कंपनियां हैं उन्होंने 173 मिलियन डॉलर एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक एक डॉलर पाकिस्तान के लिए माने रखता है उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट से और पावर सेक्टर से